हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, आज मैं लेकर आई हूँ ये बहुत ही सुंदर सा वन साइड पैटर्न। इसे आप सेल्फ पैटर्न भी कह सकते हैं फ्रेंड। इसे आप किसी भी कार्डिगन में, बेबी स्वेटर में डाल सकते हैं। बैक साइड से ये कुछ इस तरह से दिखाई देता है। वन साइड पैटर्न है, बैक साइड इसकी बिल्कुल सिंपल रहती है, तो ये राइट साइड से ही डलता है। बहुत इजी है ये डालने में, इसे बिगिनर्स भी यूज़ कर सकते हैं। और ये जो पैटर्न है फ्रेंड्स, आप जेंट स्वेटर और किसी भी लेडीज कार्डिगन में डाल सकते हैं। 4 रोज का ये रिपीट पैटर्न चलता है। तो फ्रेंड्स, इसको हमें डालने के लिए कास्ट करना है 5 का मल्टीपल प्लस 2 एक्स्ट्रा स्टिचेस रहेंगे। यहाँ पर मैंने टोटल डेमोन्स्ट्रेशन के लिए 22 स्टिचेस लिए हैं, 5 का मल्टीपल और प्लस 2। तो चलिए रो 1 से बिगिन करते हैं। तो चलिए रो 1 स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। रो 1 हमने पूरी सीधी बना लेनी है, यानी कि सारे स्टिचेस को हमने निट करना है सीधा, कुछ इस तरह से। देखिए, तो आपको इसी तरह से अपनी पूरी की पूरी रो नंबर 1 फिनिश कर लेनी है फ्रेंड्स। ये पैटर्न फ्रेंड्स काफ़ी सिंपल है और इसे बिगिनर्स तो बहुत इजीली डाल सकते हैं। तो मैं चाहूँगी कि आप लोग इसे ज़रूर ट्राई करें। ठीक है, कुछ ऐसे दिखेगा अभी। अब आती है रो 2, रॉन्ग साइड। पहला फंदा स्लिप और फिर बाकी पर्ल डाउन हमने कर लेने हैं, यानी कि सारे फंदे हमने उल्टे उल्टे बनाकर फिनिश कर लेने हैं रो 2 में। पूरी रो 2 हमने उल्टा बनाकर फिनिश करना है। ठीक, ये होगी हमारी रो 2। देखिए, अब आती है रो 3, जिसमें ये पैटर्न हमारा डलेगा फ्रेंड्स। रो 3 में पहला फंदा तो हम स्लिप करेंगे, फिर एक फंदा सीधा। अब इसके बाद ध्यान देंगे, 1 2 3, 1 2 3, जो तीसरा फंदा, 3 फंदे हैं, इनको पीछे की तरफ से ऐसे हमने एक साथ नेट करना है। देखिए, एक साथ किया, इनको एक साथ सिलाई में ले लेंगे, ऐसे इनका एक फंदा। अब यहाँ पर एक टर्न ओवर लेंगे और फिर एक बार फिर से निट कर लेंगे, और इन्हीं 3 फंदों के 3 फंदे हमने बना लिए। देखिए ऐसे, फिर एक फंदा सीधा, एक और फंदा सीधा, 2 फंदे सीधे हो गए और एक ये हो गया। तो ये हो गए हमारे 5 फंदों का रिपीट। अब फिर से वही फॉलो करेंगे। देखिए, हम कुछ इस तरह से सिलाई को डालते हैं ना फ्रेंड्स, तो मुश्किल आती है डालने में। एक ट्रिक सिखाऊंगी, जब भी 3 फंदे इकट्ठे ले लो, पहले से क्रॉस बनाए नीचे की तरफ से और फिर सिलाई डालें, तो आपको इजीली डाल पाओगे। ऐसे देखिए, अब ये देखिए, एक बना लिया हमने 3 में से। अब एक टर्न ओवर ले लेंगे, दूसरा फंदा बन गया और ये तीसरा बन गया, ये 3 फंदे हो गए। अब छोड़ देंगे, अब 2 फंदे सीधे बना लेंगे। यही 5 फंदों का हमने फ्रेंड्स रिपीट पैटर्न रखना है। फिर से देखिए एक बार, 3 फंदे इकट्ठे लेने हैं, तो पहले नीचे की तरफ से तीनों को लेंगे और ऐसे क्रॉस बना देंगे। अब इसके बाद इनको पीछे की तरफ से डालेंगे। ऐसे देखिए, कितनी आसानी से हो गया। स्टार्टिंग में मैंने आपको बिना ऐसे करके दिखाया है, तो आपने देखा होगा कितनी मुश्किल हुई थी। 3 हो गए, अब ये 2 फंदे सीधे। तो ये बहुत ही इजी है, आप देख ही सकते हैं। ऐसे डालने की कोशिश करेंगे तो बहुत मुश्किल है। पहले क्रॉस बनाएं नीचे की तरफ से, ताकि ये थोड़ा लूजन अप हो जाए और फिर आप इजी से इसको बना पाएंगे। 3 फंदों के 3 ही बनाने हैं, एक ऐसे, एक यार्न ओवर और एक और फंदा, और फिर एक फंदा सीधा और लास्ट का एच स्टिच भी सीधा ले लेंगे। ठीक है, तो अब आती है रॉन्ग साइड, रो नंबर 4, लास्ट रो ऑफ द पैटर्न। जैसे कि मैंने आपको बताया है, रॉन्ग साइड में पूरी रो हमने पर्ल डाउन करनी है, तो यहाँ पे भी वही करेंगे। जो 3 फंदे बनाए हैं, इनको अलग अलग यहाँ पर निट कर लेंगे। ये देखिए, अलग अलग इनको पर्ल डाउन करेंगे, उल्टा बना लेंगे ऐसे कुछ। तो आपने अपनी पूरी रो इसी तरह से फिनिश कर लेनी है। पूरी रो उल्टी बनाएंगे और इसी तरह से फिनिश करेंगे फ्रेंड्स।
तो केवल ये 4 रोज का ही पैटर्न है। ये देखिए, ये अभी हमारा एक टल गया है, तो ये आपको ऐसे दिखाई देगा फ्रेंड्स। ये बहुत सुंदर दिखता है डलने के बाद सेल्फ डिज़ाइन की तरह। तो आइए मैं इसके कुछ रोज़ और बना के आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, बिल्कुल सेल्फ पैटर्न की तरह दिखाई देता है और बहुत सुंदर लगता है। इस पैटर्न को ज़रूर अपने प्रोजेक्ट में ट्राई कीजिएगा फ्रेंड्स। ये बिगिनर्स के लिए तो बहुत ही अच्छा है। ये ऐसे आपको दिखाई देगा फ्रंट साइड से, इसे रोज़ की तरह चलता है छोटी छोटी, और ये इसकी बैक साइड है। बहुत सिंपल पैटर्न है, जेंट्स स्वेटर्स में, लेडीज़ कार्डिगन्स में, बच्चों के स्वेटर्स में, आप इसे सॉक्स में, शॉल्स में, कहीं पर भी कास्ट कर सकते हैं। बहुत प्रिटी लगता है, इवन कैप्स में। फ्रेंड्स, मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने अभी तक किया नहीं है, इसी तरह के पैटर्न सीखने के लिए। थैंक यू।